समाने की बुराई क्या होगी, समाने की बुराई ये होगी इंसान जन्नत की तैयारी कम हो जाएगा, जन्नत पे जाने वाले लोग कम हो जाएंगे और जहन्नुम पे जाने वाले लोग ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। गोया कि ऐसे अमाल इंसान से सरजद होना शुरू होंगे कि वो जहन्नुम तक भाग रहा होगा। समाना खराब होने से मतलब ये नहीं कि मुआशी डिजास्टर होगा या कोई तरक्की खत्म हो जाएगी, जमाने की तरक्की तो उससे बेहतर हो जाएगी। बिल्डिंग भी होंगी, साइंस भी होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, मादियत भी होगी, पैसा भी होगा, ये मतलब नहीं। बुरा क्यों होगा, दीन नहीं होगा। फितना उसको कहा जाता है कि जो इंसान को दीन पे कमजोर करते, जो चीज अच्छा खासा नमाजी होता है आदमी, आप देखिए नमाज पढ़ते पढ़ते गायब हो गया, भाई नमाज छोड़ दी, बस ये दिल नहीं करता, थोड़ा सुस्ती हो गई, हंसना शुरू कर दिया। ये क्या फिजी है, क्या है कि इस नमाज छुड़ाने का कोई पीछे जो मकसद है, जो चीज है जिसने मजबूर किया, वही फितना है। कभी इंसान गुनाह करता नहीं जब तक कि उसके पीछे कोई फितना ना हो, याद रखें। गुनाह फितना कराता है, कोई फितना जब तक नहीं होगा वो गुनाह नहीं करेगा, फितना है तो उसको नेक काम से रोक देगा, अच्छे कामों से रोक देगा, नेक काम की तौफीक भी हो गई तो उससे भगा देगा, चलता चलता अपनी मंजिल को बदल देगा। एक्सक्यूज तो बहुत बना लेंगे आदमी, लेकिन तमाम फितनों की वजह सिर्फ दो होंगी, सिर्फ दो वजह होंगी जिसकी वजह से सारे फितने पैदा होंगे। जितने भी फितने होंगे आप लिस्ट बनाए फितनों तो खत्म ही ना हो, उसकी वजह सिर्फ दो होंगी। वो क्या है कि दो वजह, माल और जमाल, सारे फितनों की जड़ ये होगी माल और जमाल। और ये बड़ी फिर तकसीम किया है इसको माल जमाल ने, क्योंकि इंसान की दो नस्ल है, एक औरत और एक मर्द। औरतों को जो घेरेगा दीन से दूर करेगा वो क्या होगा, माल का फितना होगा, आदियत का फितना हुआ, दुनिया का फितना। और जो मर्दों के लिए जो होगा वो जमाल का फितना होगा, अमूमन अक्सियत। तब भी आदमी अपने दीन से फिरेगा, दीन को कमजोर होगा, दीन से फिरेगा, दीन में चीजें आएंगी तो उसके पीछे जो काम करने वाली चीज होगी फितना, वो क्या होगा, जमाल होगा, यानी औरत होगी। बहुत जल्दी बड़े बड़े दिन पे काबू कर जाएगी वो, एक मिनट में अच्छा चलता चलता आदमी जो है वो पैदल हो जाएगा, इतना बस इतना हो गई। औरतों का मामला भी ऐसे होगा, किस कदर दिल पे दुनिया गालिब हो जाएगी उनके, उनको कोई बुराई नजर ही नहीं आएगी दुनिया के मामलात में। क्या करेंगे, दुनिया के साथ चल रहे हैं, चलना तो है ना हमने, अब क्या करें, किस तरह कर सकते हैं, बस कानून की पाबंदी करें। ये तो कुरान भी कहता है, हमारा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में आप रहें उसकी पाबंदी शरीयत हुक्म देती है। इस्लाम भी कहता है कि आप इस मुल्क में आ गए तो उनका जो कानून है वो शरीयत हमारी कहती है कि उसके कानून पर चलना पड़ेगा आपको। उनका माशी कानून है, हॉस्पिटल का कानून, सड़कों का कानून है, लाइट का कानून है, किसी किस्म जो भी कानून है जो इस्लाम से नहीं टिकाता, पाबंदी है इस्लाम पर कि वो हराम हो जाएगा आप उस कानून को तोड़ेंगे। आप पूछ लें आप उलमा कराम से, इतना रिस्पेक्ट है इस्लाम को, तो
वो भी परवाह नहीं करते, पढ़े नमाज पढ़े, आप जहां पढ़े हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं, जहां चाहे मुसल्ला बिछा लें, मोटर पर जा रहे हैं मुसल्ला बिछा लें, कुछ नहीं कहते। ये तो आम हालात तो हमारे लोगों सब जगह चलता है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भी बात करें, मस्जिद मिल सकती थी हमें, मुझे बताएं बैठे हैं आज कर रहे हैं। तो ये फितना है कि उस मुल्क में जाके हमने वैसा नहीं किया तो बस हम खत्म हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये फितना है, इन पर इल्जाम है, इन लोगों पर इल्जाम है, ये तो गवाही दे देंगे आखिर ये बकवास करते हैं, ये तो हमने अल्लाह ताला नहीं कहा था, हम तो अपने जिम्मेदार हैं, ठीक है हम जो करते थे हम तो लेंगे, ये तो बकवास करें, इनको तो पूरी इजाजत दी थी हमने, इन्हें दारू खोलने के लिए हम दारू खोल दो, इन्हें मदरसों का हमने मदरसे खोल दिए, इन्हें बच्चों का पढ़ा इन्हें चू कर लिए, इन्हें इमामे पहने हमने इमामे पहना दिए, इन्हें कपड़े पहने हमने कपड़े पहना दिए, कुछ भी नहीं कहा है या नहीं भी, कुछ सेल्फ हमारा है, ये बहाना है, इसी का नाम फितना है, वरना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इस्लाम को प्रैक्टिस ना कर सकें, फुली आजादी है, और इस्लाम तो खुद इतना बड़ा जबरदस्त है कि वो तो प्रोटेक्शन देता है माहौल को, इस्लाम तो पीस देता है, अमन देता है, हमारा तो मजहब ही ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हर चीज में बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है, बल्कि हमारा तकाजा ये है ईमान का कि हम इनके मुल्क में आए रह रहे हैं तो हमारी इबादत का तकाजा है, हमारी दुआओं का तकाजा है कि हम इनके लिए दुआ मांगे, इनकी माशियत के लिए, इनकी खुशहाली के लिए, और इनकी आखिरत के लिए, इन्होंने पुनः दी हमें रखा है, हम हिजरत करके आए, गलत करूं सही करूं, ये फितने फितने की से बात आ गई जहन में, ये कितना बड़ा फितना है कि आप इस पे इल्जाम लगाकर इन पे कि जी हम इस मुल्क में आ गए, फला मुल्क में आ गए, फला जगह से लगे हैं, हम अब ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं करना वो ये बहाने मिलाते हैं। अल्लाह के नबी सुन शात फरमाते हैं, मशकात की हदीस है, सुनिए क्या बात की आपने, फरमाते हैं खुशबख्त है वो जो फितनों से बच गया, खुशबख्त है वो जो फितनों से बच गया। नबी पाक ने दो दफा इरशाद फरमाया हदीस के अंदर, बहुत जबरदस्त मजमून है, फितने तो आएंगे, है ही फितने का जमाना ना, और फितने आते रहेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन ये हो सकता नहीं कयामत तक कि अगर कोई बचना चाहे तो बच सकेगा, हैरान की यस इसके अंदर इशारा फरमा दिया कि अगर कोई बचना चाहेगा इन फितनों से, दज्जाल भी निकल आए तो आप उस फितने से आप बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया। मत हिम्मतें हमारी है, अल्लाह हमें सोचने समझ गया, तौफीक दे इन हदों से पर, तो फितनों से बचना मुमकिन है, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जो बच गया वो बदबख्त, वो खुशबख्त है। तो यहां इतनी बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं खुशखबरी है, ये बुजुर्गदीन कहते हैं कि जो आदमी इन फितनों से बचने की कोशिश करेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि तू खुशबख्त है, तेरी कोशिश करना ये बहुत अजीम चीज है कि तू कोशिश कर रहा है कि मैं इससे बचूं। जो कोशिश करता है अल्लाह उसको हमेशा कामयाब करता है। दुनिया का कोई फितना असर नहीं करेगा, दज्जाल से बड़ा फितना नहीं होगा, लेकिन अल्लाह नबी के जबान की तरफ से गारंटी आ रही है कि दज्जाल भी फेल हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। सुभान करेंगे, मैंने किसी को गाली दी, किसी की दून को बुरा कहा, किसी की मस्जिद को तोड़ा, किसी गर्जे को तोड़ा, किस चर्च को तोड़ा, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, अपना दीन संभाले, आप दूसरों को बुला करते फिर अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाते हैं, सब जानते हैं हदीस पढ़ रहा हूं, नहीं हदीस नहीं पढ़ रहा मैं, शायद आज पढ़ी भी होगी हमारे साथियों ने फजाइल में, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि भाई मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, लफ्ज हदीस जो मैंने पढ़ा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अल्लाह के जिक्र की कसरत करो, बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह, क्या शान है रहमतुल्लाह अलमीन की, कितना आसान कर दिया कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, हुक्म इसलिए दिया कि तंगी के लिए, हमारी भलाई के लिए हुक्म दे रहे हैं,
کہ تمہاری سمجھ میں نہیں باتیں آئیں گی, بیوقوفو تم نہیں سمجھو گے, بہت زبردست تمہیں ایک علاج دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے محبت تمہاری, اتنی محبت تمہاری میری نہ رہے نہ مانو, لیکن جب حکم آئے گا تو تمہیں کرنا پڑے گا. اس لیے حکم فرمایا.